हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लहूलुहान हालत में बेजुबान कहां से लाए पशु एम्बुलेंस वाहन। पोसालिया कस्बे में शिवगंज पोसालिया फोर लाइन हाईवे ब्रिज पर अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क हादसों में एक नंदी गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में तड़पता रहा, तभी वहां से गुजर रहे शिवगंज विकास अधिकारी श्याम सिंह ने ओम श्री गजानन सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा को जानकारी दी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से गो भक्तों को एकत्रित कर पशु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होने से कार्यकर्ताओं ने निजी वाहन से घायल को रेस्क्यू किया। नंदी के हालात काफी गंभीर बने हुए, उसे पालड़ी एम पशु चिकित्सालय में उपचार करा पांजरापोल स्थित रवाना किया, जहां उसको शरण देते हुए उपचार कर ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं अध्यक्ष मीणा ने पशु एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं होने से नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं में भी खासा रोष देखा गया, सड़क पर नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया गया। पशु एम्बुलेंस की मांग को लेकर जमकर सरकार टोल कंपनी पर बरसे, साथ ही उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में हर रोज पशु काल का ग्रास बन रहे हैं। केंद्र राज्य सरकार अपने मंत्रियों के काफिले से एक एक वाहन भी कम कर दे तो जिले वाइज पशु एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। वहीं टोल कंपनियों पर लाखों रुपए की वसूली के बावजूद भी पशु एम्बुलेंस सहित मूल सुविधाओं का अभाव है। इसको लेकर कई जिला प्रशासन से लेकर राज्यपाल तक गुहार लगाई, खून से खत लिखकर भी मामले से अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हर रोज मवेशी काल का ग्रास बन रहे हैं। इस दौरान हिमांशु गहलोत, अशोक हरिजन, नेपाल सिंह देवड़ा, मनोहर मीणा, रतन लाल, प्रकाश राणा, अमृत लाल, दिनेश कुमार, गणेश मीणा, चंपालाल माली, इंदर सिंह चौहान, शिवदान सिंह, डॉक्टर अवेश खास, सुरेश कंडेला, कंपाउंडर विजय कुमार आदि ने सेवा दी। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से चंपालाल माली की रिपोर्ट।